खने में जब से पूजा अर्चना प्रारंभ हुआ है उसी दौरान राम प्रसाद जो याचिका करता है इस मुकदमे के, उन्होंने याचिका डाला है जिसमें एक अपील की है न्यायालय से, और जिलाधिकारी जो वर्तमान में रिसीवर है उनसे कहा गया है कि जो वैद्य का तहखाना है काफी जर्जर है, 100 साल से पुराना तहखाना है, उसे मरम्मत की आवश्यकता है। उसके साथ ही ये भी लिखा है कि जब से वैद्य के तहखाने में पूजा अर्चना प्रारंभ हुआ है तब से ज्ञानवापी में नवाजियों की संख्या बढ़ गई है, लिहाजा व्यास जी के तहखाने के ऊपर मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों को प्रवेश ना दिया जाए। हालांकि नहीं हुई थी क्योंकि वर्तमान जिस जिला जज ने इस पर फैसला दिया था, आदेश दिया था, वो जिला जज रिटायर हो गए, तब से अभी तक जिला जज की जो पोस्ट है अभी तक बनारस में खाली है। तो आज भी लगता है कि हमें लगता है कि आज भी तारीख मिलेगी क्योंकि जिला जज की नियुक्ति के बाद ही कोई निर्णय या कोई आदेश या कुछ जीरा हो सकता है। आकाश, जिस तरीके से तहखाने की तस्वीरें सामने आई थी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसकी हालत जर्जर है, मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये याचिका डाली गई है वो साफ तौर पर ये तस्वीरें जो हैं ये भी बताती है, अभी इस वक्त भी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल रही हैं, साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से ये जो तहखाना है ये जर्जर हो रहा है। बिल्कुल, देखिये तस्वीर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमारे दर्शक भी देख रहे हो कि स्थिति काफी जर्जर है। हालांकि याचिकाकर्ता ने जब याचिका डाला उसके बाद जो मंदिर प्रशासन की टीम है वो भी अपने तरफ से जिलाधिकारी को एक याचिका प्रार्थना पत्र डाला है क्योंकि जिलाधिकारी ही रिसीवर है मंदिर पे, जो वैद्य का तहखाना है उसमें कोई भी बदलाव चाहिए तो जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही होना चाहिए। तो जिलाधिकारी को मंदिर प्रशासन की तरफ से भी प्रार्थना पत्र दिया गया है कि वाकई में स्थिति काफी जर्जर है क्योंकि अंदर लोग नियमित तरीके से जो पुजारी है पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए कोई दैनिक कोई दुर्घटना ना हो जाए उसको लेकर प्रार्थना पत्र डाला गया। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा 2 बजे के बाद जो जज है वो निर्णय क्या लेते हैं, लेकिन ये भी जानकारी है कि अभी जिला जज की नियुक्ति नहीं मिली है इसलिए इस पर आज भी डेट लगेगा। जिस तरीके से ये याचिका डाली गई है आकाश, एक और याचिका डाली गई थी जिसमें व्यास जी तहखाने की मरम्मत को लेकर के एक याचिका डाली गई थी कि हम व्यास जी तहखाने की मरम्मत कराना चाहते हैं, उस याचिका को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए ये वही याचिका है जिसमें मरम्मत की मांग की गई है, इसमें 2 मांग किया गया, अपने दर्शकों को बता दूं। पहला मांग ये है कि जो व्यास जी का तहखाना है उसे मरम्मत की आवश्यकता है। उसी याचिका में यह भी मांग किया गया है कि मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग तहखाने के ऊपर ना खड़ा हो क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब से व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा अर्चना प्रारंभ हुआ है तब से ज्ञानवापी में नवाजियों की संख्या बढ़ गई है, लिहाजा नवाजियों की संख्या पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही व्यास जी के तहखाने पे के ऊपर ठीक मुस्लिम धर्म के जुड़े लोगों को प्रवेश ना दिया जाए, ये 2 बातें अहम है। फिलहाल देखना होगा कि जज क्या निर्णय लेते हैं। आकाश, जिस तरीके से आज इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है, क्या ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज ही इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है? देखिए फैसला नहीं आएगा, फैसला इतना जल्दी नहीं आता, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो अभी आपत्ति डालेंगे और यदि जज को लगेगा कि वाकई में स्थिति गड़बड़ है तो हो सकता है वकील कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, वकील कमिश्नर की टीम जाए, स्थिति देखने के बाद ही कोई निर्माण किया जा सकता है क्योंकि वो ज्ञानवापी परिसर का भी हिस्सा है व्यास जी का तहखाना, इसलिए कोर्ट जो कदम उठाएगी बड़ा सोच समझ के या इन पहलुओं को देखने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। जी आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो व्यास तहखाना है इसकी मरम्मत के लिए और इसके साथ साथ व्यास तहखाने के ऊपर जो नमाज होती है उसको लेकर के याचिका डाली गई है और इस याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। वहीं कानपुर